सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, आजाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो कोर्ट के ही माध्यम से सही, राम राज्य की स्थापना हो रही है। सबूतों ने ये बताया कि वो हमारा देवालय था, तभी जज साहब ने कहा कि वहाँ पूजा प्रारंभ की जाए। हम मुस्लिम भाई को समझनी चाहिए कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जगह हिंदुओं का प्राण बसते हैं। इन जगह पे कोई समझौता हिंदू तो नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा हृदय करें और काशी और मथुरा दोनों खाली करें। ये राम राज्य की शुरुआत है, सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, सनातनियों को न्याय मिल रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शोषण सनातनियों का किया गया था, देवालयों का किया गया था, सनातनियों की भावनाओं का, आस्था का किया गया था। अब हमें न्यायालयों से न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है, तो ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि 93 की गवर्नमेंट ने जहाँ सनातन, उससे पहले होती थी वहाँ पूजा, 93 से पहले वहाँ पूजा होती थी, पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार ने सनातनियों को उस मंदिर में पूजा करने से रोक दिया और वो 2024 तक बंद रहा। ये दुखद है और उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा सनातनियों को, ये दुखद है। आज़ाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो कोर्ट के ही माध्यम से सही, राम राज्य की स्थापना हो रही है, हम न्याय के माध्यम को, हमारे संविधान को मानते, कोर्ट को मानते, और सनातनियों को कहेंगे कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट पे लड़के कोर्ट में लड़े और हमें न्याय मिले और हम अपने राम, कृष्ण और शिव इन तीनों की जगह पर पूजा करें। एक और निवेदन है, जैसे ज्ञानवापी पे सर्वे करने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, वैसे ही मथुरा कृष्ण भूमि ईदगाह में भी सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिससे हम जो कह रहे हैं वो बात सत्य सामने आए, जामा मस्जिद की बातें हम सबके सामने आए कि वो सही है कि नहीं। और आप विश्वास कीजिए, वहाँ भी सनातनी सिर्फ तथ्य के साथ गए, बात सत्य होगी और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलेंगे, सनातन के चिन्ह मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सबूतों ने ये बताया कि वो हमारा देवालय था, तभी जज साहब ने कहा कि वहाँ पूजा प्रारंभ की जाए। अब एक जगह पर, पूजा वाली जगह पर, इनका कुरान कहता है कि ये नमाज नहीं पढ़ सकते, तो जब वहाँ पूजा ही करनी है तो नमाज कैसे पढ़ोगे? तो इनको तो अपने आराम से छोड़ देनी चाहिए, बोले आप जाओ, हम जा रहे हैं भैया, आप पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये बात सिद्ध हो गई, वहाँ मंदिर था, ये बात सिद्ध हो गई कि ये मंदिर ही है, और जो मंदिर है, मंदिर में तो नमाज कोई नहीं पढ़ता, उसके लिए तो मस्जिद चाहिए। और अब ये डिसाइड करें ये लोग कि ये मस्जिद है कि मंदिर है, मंदिर के है तभी पूजा का अधिकार मिल गया है, तो अब तो इनको सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको अब वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है कि अब उनको अपना कहना चाहिए कि भैया ठीक है, हिंदू भाइयों का काशी है, हम दूसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे, भाईचारा निभाओ थोड़ा सा, तो निभाओ भाई, थोड़ा निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुस्लिम भाइयों को एक बात बता दें, जो राजनीति कर रहे हैं और जो मुस्लिम भाइयों की जनता का पैसा ले रहे हैं, वो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, लेकिन ये आम मुस्लिम भाई को समझनी चाहिए कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जगह हिंदुओं का प्राण बसते हैं, इन जगह पे कोई समझौता हिंदू तो नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा हृदय करें और काशी और मथुरा दोनों खाली करें, और राम जी की है ही जगह, तो अब हम तीनों जगह पर मंदिर बनने दें, बाकी का जो भाईचारा है वो निभाएं, उसमें कोई बुराई नहीं।